प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी का बड़ा ही दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें आपको ना सिर्फ बहुत सारी जानकारी मिलेगी बल्कि ये वीडियो हम सबकी आंखें भी खोल देगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर इस वक्त नाज़िया इलाही खान जी को हमने जहमत दी है। हम वक्त ज़ाया किए बगैर इनको वेलकम कहते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आपके फेवरेट और भारत की शेर दी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसी हैं आप? मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम, मैं अच्छी। बहुत लोगों के कोसने के बाद, पर्टिकुलरली मुसलमानों के बहुत कोसने के बाद भी मैं बड़ी मस्त हूँ। सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही है पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम, कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? हैं? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा, आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामडोली। जयपुर के हर कोने के कहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड ला रही हूँ, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान डाल के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने। यहाँ पर कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। औरत कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड झांका चाहिए बना के दे रहा है। 200 रुपए में आधार कार्ड बन रहा है, इंडिया में इतना सस्ता है वो? और वो बांग्लादेशी धड़ाधड़ आए जा रहे हैं वहां पर, धड़ाधड़ आए जा रहे हैं सारे के सारे। एक्चुअली पहले कम हो रहा था कि आमा ये विधायक हैं और बहुत बड़े संत भी हैं ये जयपुर के। अभी इसी बार ये विधायक बने हैं और बड़े ही दबंग टाइप के हैं, बड़े दबंग टाइप के हैं और गदा वदा लेकर के चलते हैं। इनके प्रचार में मैं 24 घंटे के लिए गई थी। तो अच्छा, इनसे आप संविधान के जितने आर्टिकल्स पूछिएगा सब बताएंगे। बियॉन्ड द लॉ एक भी काम नहीं करते। जैसे हमारे योगी महाराज जी, जैसे हमारे शंकराचार्य जितने हैं, सब संविधान वकीलों से ज्यादा संविधान बता देते हैं हमारे शंकराचार्य जी लोग। तो ये लोग पढ़े लिखे जो है वो संत और महंत है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर ये एमआईएम ने स्टार्ट किया, जिनके असदुद्दीन अवैसी के 2 विधायक आज भी जेल में हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ दिल्ली में अमानतुल्ला खान आज भी जेल में। उसने भी क्या किया था, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को बुला करके पूरी झुग्गी झोपड़ी बना दी थी, पूरा एक गांव बना दिया था, और जा करके उनको कैश पैसा भी देता था, एयर कूलर भी देता था, और उनको असलाह और बारूद भी देता था कि अगर तुमको कोई उखाड़ने के लिए आएगा या तुमको कोई पुलिस या प्रशासन कुछ अगर खत्म करने के लिए आएगा तो तुम बस एकदम अटैक कर देना, यलगार बोल देना, जंग का ऐलान कर देना। और वो लोग भी बड़े तैयार रहते थे कि भाई जब विधायक ही बोल रहा है मानतुल्ला तो हम जंग का ऐलान करेंगे। अब देखिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इनकी स्ट्रैटेजी होती है एक तो फोन पर आधार कार्ड, क्योंकि मुसलमान सब एक दूसरे को हेल्प करता है। तो और जो पाकिस्तानी दिमाग का है, जमात इस्लामी दिमाग का है, वो समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है। और जो संवैधानिक मुसलमान होता है वो संविधान के दायरे में अपना काम करता है। तो ये जैसे पश्चिम बंगाल में मैंने बहुत सर्वे किया हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जैसे बांग्लादेशी लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में छोड़ दिया जाता है, जेल की हिरासत में तकरीबन 3 महीना 4 महीना 5 महीना वो जेल की हिरासत में रहते हैं। अब जेल की हिरासत से जब वो निकलते हैं, उनका बेल होता है, तो उनका पहला प्रूफ बन जाता है बेल बॉन्ड। पहला प्रूफ आ गया, ठीक है, बेल बॉन्ड का प्रूफ जैसे ही उनको मिलता है, उसके बाद उस बेल बॉन्ड से वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई मेरा शरीर खराब है।
अब वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से फिर वो चले जाते हैं राशन कार्ड, राशन कार्ड वाला जो टीएमसी के लोग हैं या जो मुसलमान नेता मंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, वो उनको सीधा अपने लेटर हेड पर लिख करके दे देते हैं कि ये यहाँ का रेसिडेंट है, और उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रख लेते हैं। अब उसके बाद फिर 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है, 3000 रुपए में वोटर आईडी कार्ड भी बन रहा है, 500 रुपए में आधार कार्ड भी बन रहा है, उसके बाद फिर एक रेंट एग्रीमेंट का पेपर भी बन रहा है, उसके बाद वो प्रॉपर्टीज भी खरीद रहा है, फिर यहाँ पर बिजनेस भी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, और इस माफिया पर हम जैसे बहुत सारे लोगों की बहुत कड़ी नजर है, और भी बड़े बड़े लोगों की नजर है, आईबी की नजर है, बहुत सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की नजर है, और आने वाले 7-8 महीने में ये स्कैम बहुत बुरे तरीके से बस्ट होगा, जिसकी न्यूज आप लोग भी कवर करेंगे। कि इसमें मुझे लगता है कि इस पूरे देश में तकरीबन 30 या 35 मुसलमान विधायक और सांसद जेल की हिरासत में जाएंगे, 30 से 35। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि कितने लोग होंगे अंदाजा ना जो ये गैर कानूनी तरीके से आया। मेरे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो मेरे पश्चिम बंगाल में 18-19% घुसपैठिया मुसलमान यहाँ पर है। जो 24.7% जो मुसलमान है, वो एक्चुअल में वो बंगाली मुसलमान, वो बंगाल के रहने वाले मुसलमान, लेकिन 18-19% जो मुसलमान है वो पॉकेट वोट के लिए है, और वो घुसपैठिया मुसलमान है। और अभी हालिया में पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सद्दाम सरदार नाम के एक आदमी के घर से सुरंग मिला था, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, सद्दाम सरदार नाम के आदमी के घर से सुरंग मिला था जो सीधा बांग्लादेश जाता था, सीधा। तो ऐसे सुरंग बहुत सारे हैं, वो तो एक पकड़ा गया, एक नजर में आ गया, और 200 मीटर पर सुनारपुर ना कौन एक पुलिस स्टेशन है वो, और 350 मीटर पर एक और पुलिस स्टेशन था, लेकिन पुलिस स्टेशन को कुछ पता नहीं था कि एक ऐसा सुरंग बन चुका है जो सीधा बांग्लादेश जा रहा है, और बांग्लादेश से औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, गोल्ड का बिजनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है घर के अंदर से। और आप सोचो कि वो सुरंग कहाँ था, वो सद्दाम सरदार का पूरा घर, कई मतलब बहुत बड़ा घर बंगला टाइप का, उसमें उसका बेडरूम, और बेडरूम में पलंग, और पलंग के नीचे सुरंग। समझ से बाहर है कि आजकल के दौर में भी देखें ये इस तरह का काम हो रहा है, और बिल्कुल पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे। नहीं, इसमें तो पुलिस तो पैसे खा ही रही है, पुलिस तो अब आप सोचो एक ही सेक्शन पर बार बार केस करता है, तू ये क्यों करता है, उसको तो पता ही है कि सामने वाले को बेल मिल जाएगा कोर्ट जाने से ही, और हम झाड़ भी सुन लेंगे। तो सोचता है कि जो 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है झाड़ सुन लेंगे, पैसे तो आ रहे हैं फ्री में। तो पुलिस भी अब बहुत मोटी चमड़ी का हो चुका है, सोचता है चलो ठीक है कोर्ट में ही झाड़ सुनेंगे ना। अच्छा, जो मासूम लोग होते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको जब फंसाता है तो वो बेचारे अपना जमीन जायदाद सोना चांदी बेच करके वो सिर्फ बेल करके अपने आप को बचा लेते हैं। फिर वो ऑफिसर के शैतानी बुद्धि और ऑफिसर की बदतमीजी पर, पुलिस ऑफिसर की बदतमीजी पर वो रिएक्ट भी नहीं करते, क्योंकि वो डर जाते हैं। अब हम जैसे लोग बहुत कम उनके हाथ में आते हैं ना, बहुत कम। हम जैसे लोग क्या होते हैं, रगड़ देते हैं अच्छा से, सही से एकदम छट्टी का दूध याद दिला देते हैं कि भाई तुम FIR किए तो कैसे किए, अब बताओ। आप तो एक लॉयर है ना, देखें आप तो उनको टक्कर दे रही है, सही तरीके से टक्कर दे रही है। जो अगर आम कोई होता आपकी जगह पे तो वो तो उनके नीचे लग जाता, जैसे वो कहते हैं वो उनकी बात मानने को तैयार होता है। लोग अपने जमीन प्रॉपर्टी जायदाद सोना चांदी जेवर बेच करके वो अपना बेल करवाते हैं। और भाई आप सोचो कि ऐसे ऐसे FIR, अब देखिए एक FIR मेरे ऊपर हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता, बस ये 20 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगी। ये है आपका अमर स्टेट पुलिस स्टेशन, इसमें जो कंप्लेनेंट है उसका नाम है, अच्छा उसने, मैं कंप्लेनेंट का नाम आपको बता दे रही हूँ, हालांकि नहीं बताऊंगी, मुसलमान है, मुसलमान पुरुष है। उन्होंने लिखा है, आई एम एंग्विश
to write you this letter to bring to your achhi english nahi hai, to your kind attention that today these are 2024 at about 1:30 hours matlab raat mein 1:30 baje ye सर्च कर रहा था ट्विटर पर किसी नाजिया इलाही खान को पर अचानक से नाजिया इलाही खान मोदी का परिवार दिख गई ट्विटर पर और जब उसने देखा तो उसको पता चला कि मैंने ऐसा स्पीच दिया है जिससे राइट हो सकता है हिंदू मुस्लिम में. अच्छा ये लेटर इसने कब जमा किया है? इसने जमा किया है 30/8/2024 का है और 30/8/2024 को इसने जमा भी कर दिया. ठीक है, और अभी हो गया आपका पूरा सितंबर खत्म, कोई राइट तो हुआ नहीं भैया, तो फिर एफआईआर क्यों किया? अच्छा, ये तो पुलिस मेरा पुलिस नाम एक नाम है भाई जो मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ, मैं दावा दे करके कह सकती हूँ कि शायद आपने भी अपनी जिंदगी में पहले नाजिया इलाही खान नहीं सुना होगा. नहीं सुना. नाजिया बहुत लोगों का नाम होता है, नाजिया खान बहुत लोगों का नाम होता है, इलाही बीच में नहीं होता है. तो भाई तुम किस इलाही को ढूंढ रहे थे? ये फर्स्ट टाइम सुना है, नाजिया इलाही खान जो नाम है मुकम्मल, ये पहली दफा सुना मैंने. तो तुम किस इलाही को ढूंढ रहे थे? मेरा नाम ही बहुत यूनिक है इस नाम में. मुझे लगता है कि ट्विटर अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक वाहिद मैं ही मिलूंगी. उससे पता चलता है कि झूठ बोल रहा है. तो झूठे एफ आई आर. चले, बहुत शुक्रिया आपका, काफी टाइम आपका ले लिया, आप बहुत बिजी हैं और जिस तरह के जी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. आप दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट को एक्सपोज किया बल्कि ये भी बताया कि कैसे बांग्लादेश से घुसपैठिए हमारे भारत में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ से उनको कैसे सपोर्ट मिल रही है. तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहे. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.